सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। हेलो फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने ट्रेन के ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल्स को जरूर देखा होगा। वो कभी रेड होते हैं, कभी ग्रीन होते हैं, कभी येलो होते हैं, कभी डबल येलो होते हैं। इस तरह से वो अपने एस्पेक्ट को जो है चेंज करते रहते हैं। तो इन सब चीजों से वो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, इन सभी सिग्नल्स का क्या मतलब होता है और लोको पायलट इससे क्या समझता है, इन सभी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे के जो ये सिग्नल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो डाले तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे के सिग्नल्स की। तो ये दो टाइप के होते हैं। जो पहला सिग्नल होता है उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक सिग्नल, जिसकी बात आज के वीडियो में हम करेंगे। दूसरा जो सिग्नल्स होता है उसे बोलते हैं होम सिग्नल। ऑटोमेटिक सिग्नल जो होता है वो रेलवे ट्रैक के स्टेशन के बाहर होते हैं और ये ऑटोमेटिक जो है ट्रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ट्रेन जैसे जैसे क्रॉस करती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। होम सिग्नल जो होता है वो जो स्टेशन मास्टर होता है वो अपने मतलब प्लेटफॉर्म स्टेशन के पास जितने सारे सिग्नल्स होते हैं वो होम स्टेशन मास्टर उन्हें ऑपरेट करते हैं और उन्हें होम सिग्नल कहते हैं। इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन सिग्नल्स की। तो ग्रीन लाइट या ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन को अपनी फुल स्पीड में जाना है। दूसरा जो सिग्नल होता है वो होता है डबल येलो। डबल येलो का मतलब होता है कि ट्रेन को स्पीड रिडक्शन में होते हुए जाना है और जब मैक्सिमम स्पीड वो नहीं कर सकते हैं, स्पीड को रिडक्शन में करके धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ना है और अगले सिग्नल के ऊपर ध्यान देते हुए आगे चलना है। येलो सिग्नल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें लोको पायलट को रेडी हो जाना है कि अगला सिग्नल मेरा रेड होगा और रेड सिग्नल पे हमें स्टॉप होना है और रेड सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन को स्टॉप होना ही है। इस तरह से आप समझ गए कि इन चार सिग्नल का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इन्हें क्यों लाया गया, इन सभी सिग्नल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, पहले के जमाने में ट्रेनों का आवागमन बहुत कम था। उस टाइम एक ट्रैक पे सिंगल ट्रेनें चलती थी तो स्टेशन मास्टर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके और अपने अपने होम सिग्नल को ऑपरेट करके ट्रेन को जो है रूट दे देते थे और उनके बीच में कोई जो है सिग्नल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो डायरेक्ट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले जाते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि एक ट्रैक पे बहुत सारे ट्रेनें जो है चलती हैं, एक ट्रेन आगे रहती है उसके कुछ मीटर पीछे दूसरी ट्रेन रहती है, तो इन सभी ट्रेनों में कोई एक्सीडेंट या कुछ ना हो और सारी ट्रेनें स्मूथ चले जाएं, इसलिए इन सिग्नल्स को लाने की जरूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं कि ये सिग्नल्स जो है काम कैसे करते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, 500-500 मीटर की दूरी पे डिवाइड कर देते हैं और हर 500-500 मीटर की दूरी पे इन सिग्नल्स को लगाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम चार सिग्नल्स पिक्चर में आप देख रहे हैं, चार सिग्नल्स लगे हैं। अगर अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही है तो चारों सिग्नल्स जो है ग्रीन रहेंगे। इसका मतलब कि जो भी ट्रेन आएगी वो अपनी फुल स्पीड में चलेगी। अब जैसे ही कोई ट्रेन ये फर्स्ट सिग्नल को जो है क्रॉस करेगी तो उसके पीछे वाले जो सिग्नल हैं वो रेड हो जाएंगे। अब जैसे ही ट्रेन थर्ड सिग्नल को क्रॉस करेगी तो जो सेकेंड वाला सिग्नल है वो रेड हो जाएगा और उसके पीछे वाला जो सिग्नल है वो येलो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीछे से ट्रेन आ रही है वो येलो सिग्नल को देखकर इन्हें यह समझ जाना है कि मेरा अगला सिग्नल जो है वो रेड है और हमें रुकना है। उसके बाद जैसे ही ट्रेन और एक आगे वाले लास्ट वाले सिग्नल को क्रॉस करेगी तो उसके पीछे वाला सिग्नल जो है रेड हो जाएगा, उसके पीछे वाला सिग्नल जो है येलो हो जाएगा और उसके पीछे वाला सिग्नल जो है वो डबल येलो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डबल येलो वाला के पास अगर कोई ट्रेन होगी तो उसे ये समझना है कि हमें स्पीड रिडक्शन होके चलना है और आगे वाले सिग्नल पे ध्यान देते हुए चलना है। अब जब ट्रेन और आगे वाले सिग्नल को क्रॉस करेगी
तो उसके पीछे वाले सिग्नल जो है रेड रहेंगे, उसके पीछे वाले सिग्नल जो है येलो रहेंगे, और उसके पीछे वाले सिग्नल जो है डबल येलो रहेंगे, और उसके पीछे वाले जो सिग्नल हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। इसका मतलब जो पीछे से ट्रेन आ रही है उन्हें अभी स्पीड में चलना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सिग्नल्स कैसे काम कर रहे हैं, उनकी एस्पेक्ट जो है किस तरह से चेंज हो रही है। ये ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक कैसे इन्हें किया जाता है, ये इनके ट्रैक में मोशन सेंसर या एक्सल काउंटर लगे होते हैं। ये एक्सल काउंटर क्या करते हैं कि काउंट करते हैं कि मेरे ट्रैक पे जो भी पहिए होते हैं उनको काउंट करके कितने ट्रेनें क्रॉस की उसके अकॉर्डिंग जो है ये सिग्नल्स को देते हैं, और ये काउंट करके बताते हैं कि इतने इस ट्रेन अभी यहां से क्रॉस की, अगले सिग्नल तक जब तक नहीं जाएगी वो या नहीं पहुंचेगी तब तक पीछे वाले सिग्नल्स को जो है कोई परमिशन या इंडिकेशन नहीं मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सभी सिग्नल से काम कैसे करते हैं और ये कैसे ऑटोमेटिक इस तरह से अपने एस्पेक्ट को चेंज करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम होम सिग्नल के बारे में बात करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कुछ गलती हुई होगी या फिर कुछ क्वेश्चन होगा या कुछ ऐसी बात होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।